आपने वो खबर तो सुनी होगी कि राजकुमार हो तो सिर्फ आदिवासियों के नेता हैं, वो आदिवासियों की बात उठाते हैं, आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हैं। पर अब राजकुमार हो का जो बयान आया है वो दर्शाता है, वो ये दिखाता है कि राजकुमार हो तो सभी जातियों को लेकर आवाज उठाते हैं। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजकुमार रोत ने बीते दिनों एक बयान दिया कि मैं जो है छत्तीस बिरादरी का नेता हूं और सभी की आवाज को उठाता आ रहा हूं और उठाऊंगा। इसमें जाट गुर्जर खासकर है, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं वो लगभग सेम है। आदिवासियों को हमने देखा कि पानी की समस्या जिस तरीके से है वो आदिवासी क्षेत्र में ही नहीं, और भी राजस्थान के ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जिसमें ये समस्या आ रही है, जिसको लेकर राजकुमार रोत ने कहा है कि हम इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जिसको लेकर हम तमाम संसद में इसकी आवाज उठाते आ रहे हैं। और राजस्थान विधानसभा में भी हमने देखा कि जिस तरीके से राजकुमार रोत के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब ये पहल आगे कितनी जाएगी ये तो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि राजकुमार रोत को हमने देखा कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अन्य तमाम बड़ी जातियों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है। जाट को लेकर, गुर्जर को लेकर लगातार जिस तरीके से झगड़ा हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है। अगर हम सिर्फ जाति पे ही लड़ते रहेंगे तो विकास कहां से होगा, ये भी राजकुमार रोत ने अपने भाषण में कहा था। जब स्वतंत्रता दिवस पर राजकुमार रोत भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि भले ही हम आजाद हो गए हैं पर हमारी मानसिकता शायद आजाद नहीं हुई है, क्योंकि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। हमको इस पर शर्म आनी चाहिए कि हम इंसान हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में देख रहे हो कि आदिवासियों को पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जहां हम एक तरफ चांद पे जाने की बात करते हैं वही दूसरी तरफ हम बच्चों को न पढ़ते हुए देख रहे हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। हमारे देश के नेता ऐसे हैं जिनको चुनके भेजा तो जाता है कि वो संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, हमारे मुद्दे को उठाएंगे, पर वो शायद कहीं ना कहीं आपसी रंजिश में ही उलझे रहते हैं। यही कारण है कि विकास की हमारे देश में कमी नजर आ रही है। पर अगर राजकुमार रोत के जैसे बड़े नेता उभरेंगे और भी नेता आएंगे, चाहे वो युवा नेता की बात करें तो सचिन पायलट हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, हनुमान बेनीवाल भी आते हैं उसमें, राजकुमार रोत भी आते हैं, अगर ऐसे नेता उभर के आएंगे तो हमारे देश का विकास शायद संभव होगा। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।